नमस्कार फ्रेंड्स, यदि आप कास्ट आयरन प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बी एस के अंदर स्टैंडर्ड मार्क के लिए, कंपलसरी स्टैंडर्ड मार्क के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। तो बी एस लाइसेंस अभी प्रोडक्शन करने से पहले आपको लेना मैंडेटरी हो गया है। तो इस वीडियो में हम आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में बताएंगे, बी एस के बारे में बताएंगे, बी एस का ISI प्रोसेस, लाइसेंस लेने का प्रोसेस, टाइम रिक्वायरमेंट, वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, कॉस्टिंग, एवरीथिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रमोद जसवाल है, इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर मेंबर हूँ। सिंस 2013 से हम BIS के लिए टेक्निकल कंप्लायंसेस का वर्क कर रहे हैं और हर तरह की इंडस्ट्री में हमने काम किया है लगभग 10 सालों में। स्टील इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, प्लाईवुड इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, कंक्रीट इंडस्ट्री है, तो लगभग सभी तरह की इंडस्ट्री में हमने काम किया है, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, एवरीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की बात करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल जो अभी आप कास्ट आयरन की हम बात कर रहे हैं, ये कास्ट आयरन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लगता है कि ये प्रोडक्ट कस्टमर के प्रोस्पेक्ट से क्वालिटी इसका इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, तो जब भी किसी मिनिस्ट्री को लगता है कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लेके आती है और उस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू उस प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड मार्क के लिए मैंडेटरी कर दिया जाता है। तो स्टैंडर्ड मार्क के लिए मैंडेटरी करने का मतलब यह है कि आपको प्रोडक्ट जो बनाना है वो एज़ पर स्टैंडर्ड बनाना है, जो सजेस्टेड स्टैंडर्ड है, जो आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में, और उसको टेस्टिंग करनी है, क्वालिटी कंट्रोल करना है, आफ्टर दैट आपको मार्केट में सेल करना है। सेकेंड, अब क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से आ चुका है, तो ये आपका बेसिकली ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया है 13th जून 2024 को यह क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ चुका है। इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से लार्ज स्केल या फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये ऑर्डर 1st September 2024 को इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आफ्टर दैट कोई भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर या फॉरेन मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सेल नहीं कर सकते इंडिया में विदाउट लाइसेंस। फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो उनका कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा, आपको कस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी है, सो आप पहले ही इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो MSME हैं, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ये 1st December 2024 को इम्प्लीमेंट होगा और माइक्रो कंपनी के लिए 1st March 2025 में इम्प्लीमेंट होगा। तो माइक्रो कंपनीज को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला हुआ है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है। इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अंदर जो प्रोडक्ट हैं वो कास्ट आयरन से रिलेटेड 6 प्रोडक्ट हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है IS 1726 कास्ट आयरन मैन होल कवर एंड फ्रेम्स। सेकेंड प्रोडक्ट है 1729 कास्ट आयरन और डक्टाइल आयरन ड्रेनेज पाइप एंड पाइप फिटिंग फॉर ओवरग्राउंड नॉन प्रेशर पाइपलाइन सॉकेट एंड स्पिगट सीरीज। थर्ड स्टैंडर्ड है IS 1879 मेलिएबल कास्ट आयरन पाइप फिटिंग। फोर्थ स्टैंडर्ड है 1349 कास्ट आयरन सिंगल फेस थिम्बल माउंटेड स्लुइस गेट। फिफ्थ स्टैंडर्ड है 210 ग्रे आयरन कास्टिंग एंड सिक्स्थ स्टैंडर्ड है 1537 वर्टिकली कास्ट आयरन प्रेशर पाइप फॉर वाटर गैस एंड सीवेज। ये 6 स्टैंडर्ड हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर डाला है। अब मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर आ गया तो इसका लाइसेंस कैसे लेना है, BIS क्या है, तो हम उस पर बात करेंगे। BIS बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, जो कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है। BIS बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन, ये मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म करती है। BIS का लाइसेंस लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई भी मैन्युफैक्चरर जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है या टेस्टिंग फैसिलिटी है, टेस्टिंग फैसिलिटी लार्ज स्केल के लिए मैंडेटरी है, स्मॉल और माइक्रो कंपनीज बाहर से टेस्ट करा सकती हैं, बट क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम उनके पास होना चाहिए, चाहे आप इन हाउस टेस्टिंग करें या बाहर से टेस्ट कराएं। तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, टेस्टिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। प्रोसेस की बात करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले कि आप अपने प्रोडक्ट पे एप्लीकेशन लगाने से पहले, सबसे पहले तो आप, जैसे मैंने 6 प्रोडक्ट अभी बताए हैं, आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, स्टैंडर्ड को थॉरली रीड करना है, आप टेक्निकल एक्सपर्ट की सजेशंस एंड हेल्प ले सकते हैं इसमें,
उसके बाद आपको स्कोप को डिसाइड करना है, स्कोप में आपने लाइसेंस क्या क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट में मल्टीपल वैरायटीज होती है और हो सकता है कि हर वैरायटी पे आप डील नहीं करते हैं, तो आप किस वैरायटी पे डील करते हैं वो आपको स्कोप डिसाइड करना है। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप आपको टेस्टिंग फैसिलिटी आपके पास लगानी है और उसी के बेस पे आपका सैंपल भी फ्यूचर में टेस्टिंग के लिए जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको बहुत केयरफुली डिसाइड करना है एप्लीकेशन को प्रोसेस करने से पहले। BIS की प्रोसेस के बारे में यदि हम बात करें, BIS की प्रोसेस के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन में दो तरह के डॉक्यूमेंट है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में सारा रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक रॉ मटेरियल है, लिस्ट ऑफ मशीनरी है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, टेस्टिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, प्रोसेस फ्लो चार्ट है, लेआउट प्लान है, रॉ मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट है। तो ये सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, प्रीमाइसिस डॉक्यूमेंट है, रेंट एग्रीमेंट या MOA, COI, पार्टनरशिप डेट, GST, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ऑनर्स पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके लिए जो नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है वो बिजनेस लाइसेंस है फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जो उनके रीजनल लैंग्वेज में होगा, साथ ही साथ उनका इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी भी हमें चाहिए। एंड साथ में एक इंडियन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनका एक ID प्रूफ और एक उनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट हमें चाहिए यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं। सेकेंड स्टेप है सैंपल टेस्टिंग, अप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। अप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग बेसिकली ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए है और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के लिए है। यदि आपका प्रोडक्ट की लैब अवेलेबल है तो आप सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में लगा सकते हैं एप्लीकेशन, एंड इन दैट केस आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए जाएगा बिफोर BIS एप्लीकेशन। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये स्टेप अप्लीकेबल नहीं है, फॉरेन मैन्युफैक्चरर को सिर्फ नॉर्मल प्रोसीजर में एप्लीकेशन लगेगी विदाउट टेस्टिंग। तो अप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट BIS में करेंगे थर्ड स्टेप में, एंड फोर्थ स्टेप में BIS ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करते हैं, कुछ भी माइनर क्वेरीज हैं तो तब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आप करेक्टिव एक्शन लेंगे। यदि मेजर क्वेरीज है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। यदि आपकी फाइल कंप्लीट है देन एक ऑफिसर आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे, जो आपका फैक्ट्री का लोकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग प्रोसेस, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, प्रोडक्ट टेस्टिंग, एवरीथिंग वेरीफाई करेंगे। जो ऑडिट का एक दिन का ऑडिट होता है, साइंटिस्ट लेवल के ऑफिसर्स आते हैं। कंप्लीट ऑडिट होने के बाद यदि आपका प्रोडक्ट ओके है तो आपका एक सैंपल सील्ड होगा BIS की टेस्टिंग के लिए, क्रॉस वेरीफिकेशन के लिए। इस सैंपल का यदि आपने एप्लीकेंट सैंपल पहले से टेस्ट कराया हुआ है तो ये सैंपल की रिपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, इसीलिए इसको सिंप्लीफाइड प्रोसीजर करते हैं। यदि आप नॉर्मल प्रोसीजर या फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो ये आपका ऑडिट के बाद जो सैंपल विड्रॉ होगा वो टेस्टिंग में जाएगा, रिपोर्ट आने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये इंटायर प्रोसेस है लाइसेंस मिलने की। लाइसेंस का जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें प्रॉपर आपका लाइसेंस की डिटेल रहेगी, स्कोप लिखा रहेगा, आपके लाइसेंस की वैलिडिटी रहेगी, मार्किंग गाइडलाइन रहेगी। अब हम बात करते हैं फीस की। एप्लीकेशन फी है 1000, इंस्पेक्शन फी है 7000, लाइसेंस फी है 1000, एनुअल मार्किंग फी सारे प्रोडक्ट की अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, तो मैं अभी आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप यदि इसमें सपोर्ट चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद आप हमारी हेल्प के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। फिफ्थ सैंपल टेस्टिंग, BIS सैंपल टेस्टिंग, जो आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए जाएगा ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, आपके स्कोप के ऊपर एंड लैबोरेटरी के ऊपर। तो ये भी हम बाद में ही आपकी हेल्प कर पाएंगे, जब आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड होगा, स्कोप आइडेंटिफाइड होगा, देन लैबोरेटरी आइडेंटिफाइड होगी, तो ये भी बाद में हम कर सकते हैं। इसके अलावा 25,000 से 30,000 आपका अदर इंसिडेंटल चार्जेस हैं जो आपको कंप्लीट लाइसेंस लेने में हेल्प करेंगे। ये कमर्शियल पार्ट था। इनिशियली वैलिडिटी की हम बात करें तो ये लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप इसको 5 ईयर तक के लिए रिन्यू करा सकते हैं। रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन, इट्स जनरली टेक्स 45 डेज टू गेट लाइसेंस इन डोमेस्टिक, बट फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये लगभग आपको और 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। और जो 45 दिन हमने बताया लैबोरेटरी के क्यू पे डिपेंड करता है, लैब के पास सैंपल टेस्टिंग में कितना टाइम लगेगा, समटाइम लैब ज़्यादा टाइम लेती है, तो यदि जल्दी हो गया तो 45 दिन में, नहीं तो फिर 50-55 दिन, लगभग 8-10 दिन का डिफरेंस आता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट कि इससे रिलेटेड अपडेटेड वीडियोज़ भी आपको, अपडेटेड न्यूज़ भी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।